मेरे डेली व्लॉग चलते ना उसका। अभी बना रही हूँ मैं खाना। खाना बनाने के बाद में हम लोग करेंगे प्रिपरेशन जो कि होगी मकर संक्रांति के लिए, जिसमें हम बनाएंगे लड्डू वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आज का जो ब्लॉग है वो है मकर संक्रांति के प्रिपरेशन से रिलेटेड, मीन्स आज के दिन क्या होता है। और वैसे भी हमारे घर में रोज़ कुछ ना कुछ कांड तो होते ही हैं। तो मैंने बनाई है आज सब्जी और मटर और चीलड़े की। जो समझते हैं उनको बता दूँ, चीलड़ा चीला भी बोलते हैं उसको, मतलब बेसन का जो चीलड़ा होता है ना हमारे राजस्थान में, चीले को चीलड़ा बोलते हैं। उसमें मैं डाल दूँ थोड़ा सा पनीर, तो शायद टेस्ट करके भी देखूँगी और बताऊँगी भी कैसा लगता है। मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। हमारे घर आए हैं मेहमान जो बना रहे रोटी, जो बना रहे हैं रोटी, रोटी और ये देखो घोल घट रोटी बना रहे। आ टैलेंट, क्या जोरदार टैलेंट है यार। आज तो हम खाएंगे मक्के की रोटी प्लस पनीर चीलड़ा मटर की सब्जी। रिव्यूज बाद में बताए जाएंगे आपको खाने के बाद। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज इसमें से घी कैसे निकालते हैं। मींस ये मशीन है और इस मशीन से घी निकाला जाता है, मींस लाइट से ये चलती है, ऑब्वियसली लाइट से ही चलेगी। तो ये छाछ जितना भी दही जमाते हैं वो सारा इस के अंदर डालती हैं और इसको फेरने के लिए रख देते हैं आधे घंटे के लिए, मतलब आधा घंटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये है घी छाछ के ऊपर, इसको हम लेंगे और उसके बाद में हम छाछ से घी बनाते हैं, मींस दही से घी बनाते हैं और जो बची हुई छाछ है वो हम लोग पीते हैं। तब मैं आपको दिखाऊंगी कि घी कैसे निकालते हैं इसमें से, मींस ये घी कढ़ाई और ये है मशीन और घी का, ये मशीन बहुत भारी है भाई। तो पहले मशीन को कढ़ाई में रखते हैं ताकि कहीं जमीन पे ज़्यादा गिरे नहीं। ये है असली तरीका, सबसे पहले मशीन साफ करते हैं, बट अभी मैं मशीन साफ करूंगी तो काफी लेट हो जाएगा, आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी। तो घड़ी में बज गई है लगभग एक डेढ़ बज गई है। रिंकू का वेट कर रहे हैं खाना खाने के लिए, साथ में ही खाना खाते हैं। तो रानू भी आए हुए हैं, तो रानू मैं रिंकू हम सब लोग साथ में खाना खाएंगे। यहाँ जो छाछ निकली है वो छाछ को हम बगार लगा के उसके अंदर थोड़े से ये नुगरे वगैरह डाल के अच्छे से छाछ बना के खाना वगैरह लेके आराम से बाहर बैठ के धूप में खाना खाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे वगार लगाते हैं। मीन्स ये घी है, इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, फ्राई करेंगे और उसके बाद में उसको छाछ में डाल लेंगे। तो एक बार मैं फ्राई कर लेती हूँ उसके बाद में दिखा पाऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं जैसे जीरा फ्राई हो जाता है, ये अच्छे से फ्राई हो गया, उसके बाद में हम लोग इसमें छाछ में डाल देते हैं और फिर इस छाछ में बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। तो तिली और जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, क्या गुड़ नहीं हो लड्डू गुड़, अरे
तो हमने कूट दी है वो खींच के लिए गेहूं, और यहाँ पे अब तिल्ली वगैरह सेकने का काम होगा, और उसके बाद में बनाएंगे लड्डू। तो वो सारी थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो ये कुछ इस तरह से चलती है प्रिपरेशन, जहाँ पे तीनों मिलके हम कर रहे हैं प्रिपरेशन, और तीनों के ब्लॉग इस बार टोटली डिफरेंट होंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो कोई चेंज नहीं है मेरे ब्लॉग में, सब बहुत ज्यादा चेंज है, तो सबके अलग अलग ब्लॉग्स होंगे, और आपको एक दूसरे के ब्लॉग देख के इतनी हंसी आएगी कि ये खुद से तीन... क्या कर रहे एक घर में रहकर तीन जने क्या कर रहे तीन जने अलग अलग एक ही काम कैसे कर सकते हैं। तो आप ब्लॉग देखना, तीनों के बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स होने वाले, और तीनों के ब्लॉग्स में बहुत कम नजर आएंगे, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि हम तीनों के ब्लॉग्स बिल्कुल सेम होने वाले हैं, तो हम हमारे हिसाब से बिल्कुल अलग ब्लॉग्स बना रहे हैं, तो काफी मजा आने वाला है। तो ब्लॉग्स तीनों के देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ, one, two, three, stand. दो जने तिल्ली सेकने के बाद तीसरे का नंबर आया, तीसरा सेका तीसरा जना तिल्ली सेक रहे, तीनों के ब्लॉग अलग होंगे जैसा कि बोला था मैंने, तो तीसरा जना तिल्ली सेक रहा, भले तिल्ली जल जाए पर तीनों अलग अलग ब्लॉगिंग करेंगे। तो यहाँ मैं अकेली सेक रही हूँ तिल्ली, रिंकू और रानू दोनों गए हैं मार्केट में कुछ सामान लेके आने के लिए, और उसके बाद में वहां से वो आ जाएंगे। तो चंदू मेरी कर रहा है रिकॉर्डिंग, और तो ये तिल्ली बिक जाएगी तो मैं इसके लड्डू बनाऊंगी, और मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कि कितने टेस्टी लड्डू बने थे, और भी बहुत सारी चीजें मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि वो दोनों बाहर गए हैं तो आएंगे दो एक घंटे बाद में, तो बहुत सारे सामान लेके आएंगे इसलिए। अभी तिल्ली सेट करो, उनका तो यहाँ पे हम अब कर रहे हैं तिल्ली वगैरह मिला के लड्डू वगैरह बनाने की तैयारी। तो गुड़ मेरे को लग रहा है कम पड़ गया, इमरजेंसी केस, गुड़ कम पड़ गया, गुड़ कम पड़ गया, और वीडियो समझ सबके बीच में सिंगल रह गई। दो देखो ना यार, गिला तो हो गया, तो अभी ये मतलब हम कर रहे हैं ये गुड़ कम पड़ गया, तो रानू थोड़ा सा और गुड़ का कर रहे हैं, लड्डू बनाने से हाथ जलते हैं इसलिए थैली रख के लड्डू बनाए जा रहे हैं, और जो लड्डू बनते हैं वो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कितने सुंदर लड्डू बनते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के लड्डू बनते हैं, पर इसके अंदर बहुत मेहनत लगती है, ये आप इन दोनों से पूछ सकते हो। इस कदर मेहनत लगी हमारी कि हमारे को अब मम्मी की याद आ रही कि हमारी मम्मी क्यों गई, हमारे साथ क्यों नहीं है, हम मम्मी के फोन कर देते हैं, मम्मी के फोन भी किया हमने। कानू क्या कह रहा है, उसकी शक्ल दिखा, वो क्या डिमांड कर रहा है। कानू की डिमांड थी कि डीजे चलाओ डीजे, उसे पहले हमने जो डांस किया था उसकी वो डिमांड है कि वही गाना चलाओ, उसको बुलाओ और बोलो कि वो चलाएगा। मेहमान आया यार, लड्डू बना के कर दिए हैं रेडी, और बहुत और बाकी हैं जो कि रानू कढ़ाई में सेक रहे हैं। तो हमारे लड्डू और कुछ प्रिपरेशंस इस तरह से चल रही है, और बहुत ही एंटरटेनिंग काम चल रहा है, अभी आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा आपको। वहां वो थोड़ा सा और सुधारने में लगे हैं, यहाँ हम लड्डू को पकड़ के बैठे हैं, इसके अंदर जादू है और बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे ही हमारी तैयारियां चलती रहेगी, आप आगे भी देखते रहिए। अब हम लोग लड्डू वगैरह बना के फ्री हुए, अब हो रही है खाने की तैयारी, खाना वगैरह खाएंगे, आराम से बैठेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ा बहुत मेरा काम भी है तो वो करके कुछ इस तरह से प्रिपरेशन वगैरह होगी आज मकर संक्रांति के दिन की, और बाकी की जो भी है वो आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे आप लोगों को। तो यहाँ जो पार्सल्स आते हैं वो दादी जी एक बार देखते हैं और बताते हैं उनके रिव्यूज़ की साड़ी कैसी है, तो
तो ये वाली साड़ी के लिए वो कह रहे हैं कि ऐसे कलर तो तूने कितनी बार मंगवा लिए हैं और सेम कलर ही मंगवाती है। फिर मैंने उनको पूछा कि साड़ी कैसी है, तो बोलते कि साड़ी तो अच्छी है। तो ये मेरे दादी सासू जी जो कि हर चीज़ में ये भी बहुत इंटरेस्टेड लेते हैं, जैसे कि साड़ीज़ वगैरह के कलेक्शन में भी और ब्लॉग्स वगैरह में भी। और यहाँ से फ्री होके हम लोग खाएंगे एक साथ खाना, ये हमारा नियम है, हम लोग सब साथ ही खाना खाते हैं। और खाना खा के फिर फ्री होके मैं करूँगी अपना काम, बैक टू वर्क, वही जैसा आप सबको पता है, और वही ब्लॉग एंड भी हो जाएगा क्योंकि ब्लॉग का कोई एंड नहीं है। और सो अगेन बैक टू वर्क, रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ पार्सल्स और पेन कॉपी के साथ एड्रेस लिखने के लिए, जो जो भी ऑर्डर्स हैं। ये थोड़ी सी साड़ियाँ यहाँ पड़ी हैं और काफ़ी सारी यहाँ पड़ी हैं, मीन्स अब तो मोस्टली सेल आउट ही हो गई है ये समझ लीजिए आप, बट फिर भी 100+ साड़ीज़ अभी भी हैं। तो मेरा मोटिव ये है कि जल्दी से जल्दी मैं इन सबको सेल कर दूँ और इस रूम को मैं रिनोवेट करूँ, मीन्स मैं यूट्यूब में जो व्लॉग्स वगैरह शूट करती हूँ या फिर जो भी वीडियोस वगैरह मैं रिकॉर्ड करती हूँ ऐसा बोल के, उसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत चेंज लाना चाहती हूँ, मीन्स थोड़ा बहुत अच्छा लुक आ जाए यहाँ का, ज़्यादा सुंदर दिखे, ऐसा मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए कमरे में स्पेस और वो अभी है नहीं, तो इस वजह से मुझे जल्दी से जल्दी ये सारी साड़ियाँ सेल आउट करनी पड़ेगी। सो ये रीज़न है मेरा साड़ी सेल करने का फ़िलहाल। तो आधी रात को व्लॉग की प्रैक्टिस करती हुई औरत करते रहें। तो इसी तरह मुझे प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हो गए तो हो गए, हिंसा तो बन गए। रात के 11 बजे हम ये काम कर रहे हैं भाई। सो ब्लॉग यही होता है मेरा, दी एंड। होप कि आप सबको अच्छा लगा हो और ऐसे ही ऐसे ही नहीं मुझे तो बाकी है मेरे दोस्त। सो यही मेरा ब्लॉग होता है दी एंड और होप कि आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको दे दूंगी, डोंट वरी। तो इधर चल रही है हमारी ब्लॉगिंग और अब भाभी बोलेंगे उनके क्वेश्चन सुनना। हाँ 1 2 3 स्टार्ट। तो यहाँ मैं अकेली सेक रही हूँ, तिल्ली, रिंकू और अनु दोनों गए हैं मार्केट में कुछ सामान लेके आने के लिए और उसके बाद में वहां से वो आ जाएंगे। तो चंदू मेरी कर रहा है रिकॉर्डिंग और इनका सच में रिकॉर्ड कर रही हूँ आपको, ये व्लॉगिंग में बताएंगे कि रियलिटी हुई क्या। तो मैं इसके लड्डू बनाऊंगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कि कितने टेस्टी लड्डू बने थे और भी बहुत सारी चीजें मैं रखने वाली हूँ क्योंकि वो दोनों बाहर गए हैं तो आएंगे 2-1 घंटे बाद में, तो बहुत सारे सामान लेके आएंगे इसलिए। पापी तिल्ली सेक करो तो आप देख ही सकते हैं कि व्लॉगिंग हम कैसे कर रहे हैं और कितना कौन सच बोल रहा है, कितना कौन झूठ। तो आप देखिए ना, अब गुड़ मिलाने वाले हैं हम लोग। तो काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग के बाद में ब्लॉग यही एंड होता है और होप सो आप लोगों को अच्छा लगा हो ब्लॉग। काफ़ी कॉमेडी थी, काफ़ी मज़ा आया और ऐसे ही हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है फैमिली के साथ में, टाइम का पता ही नहीं चलता। तो अब जो मकर संक्रांति है वो है 15 की और हमने प्रिपरेशन कर ली है 13 को ही, और 14 के दिन हम लोग फ्री ही रहेंगे। तो शायद मैं ब्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ आइडिया नहीं है, बट आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी कि हम लोग मकर संक्रांति कैसे सेलिब्रेट करती हैं, कैसे मैं अपनी मकर संक्रांति सेलिब्रेट करती हूँ। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तभी आप देख पाएंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ढेर सारा प्यार दें जैसे कि आप लोग अभी दे रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइस। Oh, 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 oh